हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ये वाला जो एक पूरी प्लेलिस्ट मैं इसमें बनाने वाली हूँ, हम पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत बुक से सारी की सारी कवर करने वाले हैं। एंड धीरे धीरे इस प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स जो हैं ऐड होते जाएंगे। एंड लेट अस स्टार्ट विद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो इसमें क्या हुआ था, ब्रिटेन जो है वो इंडिया में कब आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में वो लोग 1600 में इंडिया में आए थे। तब वो सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही उनका एक गोल था। उसके बाद देखो क्या होता है कि काफ़ी सारे उसके चक्कर में जो है उनको वॉर यानी कि बैटल्स लड़नी पड़ जाती हैं। कुछ जो शुरुआती बैटल्स होती है, जो इनिशियल बैटल्स होती है, वो होती है यूरोपियन पावर्स के साथ जो उस टाइम पे एक्टिव थे, जैसे कि पोर्टुगेज हो गए, फिर उसके बाद डच आ गए, फिर उसके बाद फ्रेंच आ गए, फिर डेनिश वगैरह सब लोग थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ आए थे। और ब्रिटेन ने उनको लड़के उनको हराया और इंडिया से भगा दिया और ये बोला कि इंडिया को तो हम ही रूल करेंगे और इंडिया से प्रॉफिट भी हम ही उठाएंगे। ये बात इन्होंने कह दी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहली बार 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है और वो पहली बार एक इंडिया के राजा के साथ लड़ाई करते हैं। ये अब कोई नई ही कहानी शुरू होने वाली थी। उसके बाद वो लड़ाई करते हैं अगले मुग़ल राजा के साथ, ठीक है। तो उसके बाद जब वो मुग़ल राजा के साथ बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, शाह आलम नाम के जो हमारे राजा थे दिल्ली पे, तो उनके साथ जब वो लड़ाई करते हैं तो उनको भी हरा देते हैं। तो जब उनको हरा देते हैं तो जो ये कंपनी है ना, इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है और इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है इनके ऊपर रेवेन्यू और सिविल जस्टिस जो है इसके राइट्स मिल जाते हैं, दीवानी के राइट मिल जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये करने लगते हैं। सो ये जो है सारा राज जो है इनको मिलता ही जा रहा है। 1765 में ये चीज़ हुई थी। और जो बक्सर की वॉर थी, बक्सर की जो बैटल थी, वो कब हुई थी, 1764 में। तो एक साल के बाद इनको ये सब पावर्स जो हैं मिल गई थी। सो धीरे धीरे कंपनी इन सारे कारणों की वजह से एक टेरिटोरियल पावर बनती जा रही थी। टेरिटोरियल पावर यानी कि जिसके पास एक बहुत ज़्यादा इमेंस पावर है और वो कुछ ज़मीनी हिस्सों पे अपना मालिकाना हक रखते हैं। मतलब दे हैव द ओनरशिप ऑफ अ लॉट ऑफ यू नो प्लेस, अ लॉट ऑफ एरिया के दे हैव देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑन। तो दे स्टार्टेड बिकमिंग लाइक गवर्नमेंट जैसा काम उनका होने लगा। और देखिए 1858 में फिर हम देखते हैं सुपॉय म्यूटिनी हो जाती है। तो उसके बाद फिर क्या है, कंपनी तो थोड़ा पीछे रह जाती है और ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश जो राजा हैं, ठीक है, उनका जो पूरी रॉयल फैमिली है, तो ब्रिटिश क्राउन जो है इंडिया पे अज्यूम करता है अपनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन जाते हैं। तो इंडिया जो है ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन जाता है और अगस्त 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा ही बना रहता है, ठीक है। अगस्त 1947 तक ब्रिटेन की एम्पायर का हिस्सा ही बना रहता है। और फिर हम देखते हैं कि 1934 में क्या होता है, जब हमें आज़ादी मिलने वाली होती है कुछ सालों में, अभी वैसे काफ़ी टाइम है, लेकिन एमएन रॉय ने 1934 में एक बात कही थी कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात थी, ये सारे ही जो हमारे उस टाइम के लीडर्स थे उनको पता थी कि ये बहुत ज़रूरी है। सो उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की मांग रखी और ऐसा हुआ। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई एंड जिन्होंने अपना काम जो है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जो इफेक्ट में लाना था वो लाए वो 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 26 जनवरी 1950 में। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि देखो हमारे कुछ कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे ऐसे फीचर्स हैं ना जो ब्रिटिश रूल में ही जिनकी ओरिजिन दिखती है, ठीक है, जिनका ओरिजिन ब्रिटिश रूल में ही हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे इवेंट हैं ब्रिटिश रूल में जिन्होंने एक बहुत बड़ा फाउंडेशन ले कर दिया। किस चीज़ का फाउंडेशन ले कर दिया, इंडिया में कैसे यू नो एडमिनिस्ट्रेशन चला जाएगा, उस चीज़ का बहुत बड़ा फ्रेमवर्क ये लोग डाल के चले गए। एंड ये इवेंट जो हैं इनका पूरा एक ना ऑर्डर है और इन्होंने इंडिया को आज के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। बहुत से ऐसे एक्ट हैं जिनकी कॉलोनियल लेगेसी है, कॉलोनियल ओरिजिन है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वही हमने रखनी है, सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो यू नो कामकाज करने का तरीका होता है वो सब हमने यहाँ से उठाया था। सो अब इनको हमें उन सारे एक्ट्स को देखना है जिसने इंडिया की पॉलिटी पे आज भी बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट डाला है, चाहे वो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन इफ़ेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है वो दिखता है। सो देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारा जो है हम समझते हैं। सबसे पहले वाला अब देखो जो कंपनी का रूल है 1773 से 1858 तक रहा। सबसे पहले वाला एक्ट कौन सा आया 1773 में, इस एक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हुई।
सबसे पहला ये था कि इस एक्ट में हमने ये देखा कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश ये पहला स्टेप है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वो कंट्रोल करेंगे एंड रेगुलेट करेंगे किस चीज़ को, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फंक्शन है, जो वो काम कर रहे हैं ना, उसकी एक्टिविटी को ये रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा करना चाहेगी। और फिर इन्होंने तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया सबसे पहली बार ये कहा कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। किसको कहा ये बात? तो EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात कही गई कि आप लोग सिर्फ ट्रेडिंग बॉडी नहीं हो, आपके पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, आपके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हैं जिनको आप निभाइए। एंड ये भी कहा कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का होना चाहिए। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो पावर है, पावर का एक ही केंद्र है, ठीक है, एक ही केंद्र है। जब भी हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो एक सुप्रीम अथॉरिटी वहाँ पे होती है, और जब किसी के ऊपर हम ज़बरदस्ती राज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें फिर सेंट्रलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है, जैसा कि हमने ब्रिटिश रूल में बहुत ही एविडेंटली देखा भी था। सो गाइस, अगर आपको लग रहा है कि आई एम अ बिट फास्ट एंड ऑल, तो काइंडली लेट मी नो। सो या उसके बाद देखो अब फीचर ऑफ द एक्ट। फीचर ऑफ द एक्ट में बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें समझनी हैं। तो सबसे पहले जो गवर्नर हैं बंगाल के, उनको कहा कि नहीं, आप गवर्नर गवर्नर नहीं हो सिर्फ, आप तो गवर्नर जनरल हो, ठीक है। इस तरीके से मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए, आई डोंट हैव यू नो एनी अदर इंटेंशंस, आप अच्छे से इसे याद कर लो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप गवर्नर नहीं हो, आप तो गवर्नर जनरल हो, आप तो बहुत खास हो। उसके बाद उन्होंने एक क्या किया, गवर्नर जनरल कह दिया तो कुछ तो देंगे ना साथ में, तो क्या गिफ्ट दिया उनको, उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी। उनको बोला कि आपके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, और आपको वो असिस्ट करेंगे, यानी कि आपकी हेल्प करेंगे आपके फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में। समझ आ रहा है ना? सबसे पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल को बुला के कहते हैं कि नहीं नहीं, आप तो गवर्नर जनरल हो, गवर्नर नहीं हो, गवर्नर जनरल हो। उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल गिफ्ट कर दी, और साथ में 4 मेंबर गिफ्ट कर दिए जो उनकी हेल्प करेंगे। इस तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमारे पहले हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। तो ठीक है, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, सेकंड चीज़ जो उन्होंने की ना, वो तो काफ़ी चुभ गई किसको, बॉम्बे एंड मद्रास को। उन्होंने बोला कि बॉम्बे एंड मद्रास जो है वो प्रेसिडेंसीज हैं, और वो भी सबॉर्डिनेट हैं किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो पहली बार मद्रास एंड बॉम्बे को सबॉर्डिनेट कर दिया गया किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर, एंड पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये जो है काफ़ी अलग अलग चेंजेस यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो बॉम्बे एंड मद्रास वाले जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनके सबॉर्डिनेट बन गए। सो अब इसमें देखिए एक और चीज़ कही गई, और उन्होंने एक और ये जो बात है ये कह दी कि सुप्रीम कोर्ट बना लो यार आप लोग, क्योंकि हमें उसके बाद ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें एक चीफ जस्टिस ला दिया और कुछ 3 जज ला दिए, एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया। कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। इस तरीके से यार आप याद कर लोगे, ठीक है। इसे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया। उसके बाद ये कह दिया कि आप लोग किसी से प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, और किसी से ब्राइब या प्रेजेंट नहीं ले सकते। ब्राइब या प्रेजेंट और ये प्राइवेट ट्रेड, इस तरीके से याद रखना, प्राइवेट ट्रेड या फिर ब्राइब एंड प्रेजेंट, प्राइवेट ट्रेड या फिर ब्राइब एंड प्रेजेंट। सो देखो यहाँ पे ये कहा गया कि जो सर्वेंट हैं कंपनी के अंडर काम करने वाले लोग हैं ना, वो क्या करते थे, वो इंडिया की मार्केट में जब वो जाते थे, निकलते थे, तो वो कंपनी तो अपना ट्रेड कर ही रही थी, लेकिन साथ साथ साइड बाय साइड वो अपना भी खुद का कुछ पर्सनल ना काम करते जा रहे थे, ठीक है। तो फ़ायदा उठा रहे थे वो कंपनी का, और कंपनी में पैसा नहीं देते थे, पैसा खुद के पास रख लेते थे। तो उन्होंने फिर कंपनी ने, फिर गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिन्होंने ये सारा एक्ट जो है ये बनाया है, और उसने कहा कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये प्राइवेट ट्रेड वगैरह बंद करो, और ये जो अपना ये आप गिफ्ट वगैरह लेते रहते हो ना, ये सब बंद करो, घूसखोरी बंद करो। तो इन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि घूसखोरी बंद करो। तो ठीक है, उसके बाद है कि 5th पॉइंट, इसमें स्ट्रेंथन कर दिया किस चीज़ को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को। देखिए अब खुद ही ला रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी ही पावर को बढ़ावा देंगे ना। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर को स्ट्रेंथन कर दिया और ज़्यादा बढ़ा दिया। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गई। और ये कहा गया कि आपके पास एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है। COD इज अ GOV बॉडी, COV इज अ GOV बॉडी, अगर याद हो रहा है तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए, आई होप याद हो जाए। तो COD जो है वो एक GOV बॉडी है, तो वो क्या कहते हैं, गवर्निंग बॉडी है। तो
वो क्या करती है, रिपोर्टिंग करती है रेवेन्यू की, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन सही टाइम पे जो है रिपोर्ट करती रहती है किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और क्या कहते हैं इसे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में लाया गया था। उसके बाद है हमारा कौन सा एक्ट है, ये क्विट्स इंडिया एक्ट। क्विट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था, और इसमें क्या किया था, ये 1773 में हमसे गलतियां रह गई थी, जो डिफेक्ट रह गए थे, जो थोड़ा बहुत लिक्यूने जिसे हम कहते हैं, लूप होल जिसे हम कहते हैं, वो आ गए थे, उसे हटाने के लिए 1784 का एक्ट लाया गया जिसे क्विट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इसमें हम रेटिफाई करना चाहते थे पुराने एक्ट में जो हमने गलतियाँ कर दी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, उसने एक अमेंडिंग एक्ट लाया और फिर उसे उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, जो कि 1781 में आया था। ठीक है, तो उसमें कुछ खास नहीं है इसलिए हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्ट जो ओवरऑल हर चीज़ को थोड़ा बहुत और ज़्यादा चेंज कर देता है, वो है हमारा क्विट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था। 1784 वाला एक्ट जो है जिसे क्विट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, उसके ये सारे फीचर्स हैं। सबसे पहला कि वो डिस्टिंग्विश करता है COD में, मतलब जो कमर्शियल पावर है और जो पॉलिटिकल पावर्स है एक कंपनी की, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पॉलिटिकल और उसकी कमर्शियल पावर जो है वो क्लैश कर रही थी, और उनको अपने ट्रेड पे अच्छे से वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण ये कहा गया कि नहीं कमर्शियल और पॉलिटिकल बॉडीज़ को अलग अलग रखिए, कमर्शियल और पॉलिटिकल बॉडीज़ को अलग अलग रखिए। उसमें ये हुआ कि COD जो है वो तो कमर्शियल अफेयर्स को चलाएंगे। हाँ, तो ये वाला हमारा पॉइंट देख लिया हमने। उसके बाद देखो COD जो है, उन्होंने बोला कि COD जो है दे विल मैनेज द कमर्शियल अफेयर। ठीक है, COD से कमर्शियल अफेयर में काम कराएंगे, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स को ध्यान देगा। ठीक है, तो COD यानी कि कमर्शियल, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं ये काम करेंगे टू मैनेज द पोलिटिकल अफेयर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हैं, तो देखिए जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स इज़ रिलेटेड टू कंट्रोल। ठीक है, दे वांट टू कंट्रोल द कंट्री, दे वांट टू हैव द पावर ओवर कंट्री, तो इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये पॉलिटिकल अफेयर्स को संभालेगा। इसको याद करने के लिए ये ट्रिक है छोटी सी। ठीक है, उसके बाद है कि नेक्स्ट चीज़, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा किस चीज़ को, मिलिट्री एंड सिविल अफेयर्स को, जो कि गवर्नमेंट में काम हो रहे हैं, इवन रेवेन्यू के ऊपर। और किसका रेवेन्यू, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ब्रिटिश पोजेशन यानी कि ब्रिटिशर्स की जो संपत्ति है इंडिया में, उसको टेक केयर करेगा कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और साथ ही साथ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स जो है गवर्नमेंट के, उन पर भी ध्यान ये लोग रखेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे 1784 में कही गई थी, 1784 का जो क्विट्स इंडिया एक्ट था उसमें कही गई थी। नाउ वी हैव अनदर एक्ट जिसको, हाँ, जिसमें और भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो यार देखो इसमें क्या है, ये जो एक्ट है ना, इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, सबसे पहले कंपनी की जो टेरिटरी है उसको पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस कहा जाने लगा। ठीक है, ब्रिटिश पोजेशंस, तो ये तो काफ़ी बड़ी बात हो गई। ब्रिटिश पोजेशंस यानी कि ब्रिटिशर्स की संपत्ति, तो ये शब्द जो है पहली बार यूज़ किए गए, काफ़ी ज़्यादा एक्सर्टिव ये लगती है। उसके बाद है सेकंड, जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया किस पे, कंपनी के अफेयर्स पे, एंड किस बात पे, एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन भी वही कर रहे हैं कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कंपनी का अफेयर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही है, तो अब सारा फ़ायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा रहा है। शुरुआत में हम देखते हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा अपना फ़ायदा वगैरह उठाती है, लेकिन वो कंपनी जो है, कंपनी को रोक दिया जाता है, कंपनी को बोला जाता है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि नहीं, हमें भी कुछ फ़ायदा दो, हमें भी ये जो आप ट्रेड वगैरह कर रहे हो ना, इसमें हमें भी फ़ायदा चाहिए, इसलिए अब हम गेम के रूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बात कहती है और ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी सी साइड हट जाती है, क्योंकि उन्हें हटना ही था। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट उन्हें कह रही है, तो दे हैव टू डेफिनेटली ओबे। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद है चार्टर एक्ट, जो कि 1833 में आया था। अब 1833 का चार्टर एक्ट जो है, इसमें क्या क्या हुआ था, तो ये हमारा फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन में। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं MCQs में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन एक्ट कौन सा है, 1833, इस तरीके से याद रखिए, सेंट्रलाइजेशन 33, इसे आप याद कर लो। एंड फिर उसके बाद क्या है इसमें कि तो ये फाइनल स्टेप था जिसमें ब्रिटिश इंडिया जो है उसमें पावर को बहुत ज़्यादा अपने पास कंट्रोल वे में रखा जाने लगा। तो इसमें क्या किया, गवर्नर जनरल को जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्हें इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। तो देख रहे हो आप, पावर कैसे बढ़ती ही जा रही है। ठीक है,
तो ये थे जीजी ऑफ गवर्न जीजी ऑफ बंगाल, तो जीजी ऑफ इंडिया बन गए, ठीक है। एंड उसमें सारी उनकी सिविल पावर, मिलिट्री पावर उनको मिलने लगी। एंड एक एक्ट क्रिएट किया गया सबसे पहली बार, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करी गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली जो बातें हैं इससे पहले कभी नहीं करी गई थी। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनकर उभरी, जिसके पास अथॉरिटी थी कि वो एंटायर टेरिटोरियल एरिया जो है, जो कि ब्रिटिशर्स के पास है, इंडिया का एरिया जो ब्रिटिशर्स के अंडर है, उसे वो जो है अपनी टेरिटोरियल, उनकी वो एरिया है और उसको वो कंट्रोल करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस बॉडी को कहा जाने लगा जो कि ब्रिटिश एरिया जो है उसको कंट्रोल करेगी। उसके बाद है देखो, अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, ये पहले गवर्नर जनरल इंडिया के रहे हैं। अब जो इसमें क्या हुआ, और जो हमारे बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, वो तो देखो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, वो तो अब इंडिया के ही गवर्नर जनरल बन चुके हैं। लेकिन बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर जनरल को और भी कम पावर हो गई, उनको बिल्कुल ही उनकी पावर जो है ख़त्म कर दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वही एक एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर उनके पास रहने लगी पूरे ब्रिटिश इंडिया की, जिसमें बंगाल, मद्रास और बॉम्बे हुआ करता था। और इस तरीके से रूल जो है वो चलने लगा, एंड एंटायर ब्रिटिश इंडिया जो है उन्हीं के अंडर आ गया। किसके अंडर आ गया? गवर्नर ऑफ बंगाल के, गवर्नर ऑफ इंडिया के अंडर आ गया। और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की पावर बिल्कुल ही कम कर दी गई। अब देखिए, जो लॉ बनाए गए थे प्रीवियस एक्ट्स के अंडर, उनको रेगुलेशन कहते थे, लेकिन इस वाले एक्ट को एक्ट कहा गया है, ठीक है। तो इसका भी दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जिसको हमें नोट करना चाहिए। उसके बाद है कि इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए, यहाँ पे आके ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें ऑलमोस्ट एक बाय बाय बोल ही दिया है। हाँ, उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में जो सत्ता संभाल दी है, और अब वो धीरे धीरे कम हो गया, उनकी पावर जो है कम हो गई है। तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कम हो चुकी है कमर्शियल बॉडी के रूप में। एंटायरली दे हैव बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने पुराने काम छोड़ छाड़ कर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गए। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमें कोई ट्रेड वगैरह नहीं करना है, हमें तो यहाँ का राजा बनना है इंडिया का, और इंडिया पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ये बात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू कर दी। इसके बाद देखो, अब जब कंपनी है, कंपनी की टेरिटरी इंडिया में जो है, उसको ये कहा गया कि ये तो जो हमारे राजा है ना ब्रिटेन के, हिज मेजेस्टी एंड उनके जो वंशज यानी कि हिज एयर, उनके ट्रस्ट पे ही तो हमने ये सारी जो है संपत्ति इकट्ठी करी है, तो इसलिए हम ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा बन के रह गए थे, ठीक है। और ये बात ये हमारी कंपनी जो है उसने ये बात क्लियर कर दी थी। उसके बाद देखो क्या होता है, जो चार्टर एक्ट है ना 1833 का, उसमें एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई कि थोड़ा चलो सिविल सर्विसेज यहाँ पे लाते हैं, और उसमें ओपन कंपटीशन होगा, ठीक है, अगर कोई इंडियन वगैरह आना चाहें तो आना चाहिए। ये बात किसने कही थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। 33 में सिविल सर्विसेज को पहली बार प्रपोज किया गया था कि सिविल सर्विसेज कराते हैं जो कॉम्पिटिशन वगैरह, कॉम्पिटिशन यानी कि एग्ज़ाम। तो लेकिन इस चीज़ को जो है कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और ये पेपर वाली बात ही रह गई, मतलब ये जो बात है ये कागजों से कभी रियलिटी में नहीं बदल पाई। फिर नेक्स्ट एक्ट में हम देखेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। या सो ये जो प्रोविज़न है इसको हटा दिया गया था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, उन्होंने इस बात पे हामी नहीं भरी थी। उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं चाहते कि इंडियन वगैरह जो हैं ये सिविल सर्वेंट्स वगैरह बने, दे डिड नॉट वॉन्ट अस टू बिकम सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। ये सारी बातें कौन से एक्ट के अंडर हो रही हैं? एक्ट ऑफ 1833। उसके बाद आता है 1853 का एक्ट। 1853 वाला एक्ट जो है ये लास्ट चार्टर एक्ट है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, ठीक है। एंड इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स जो है हम देखते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर ऑल दोस। मूविंग अहेड, देखो अब फीचर्स जो हैं एक्ट के वो क्या क्या हैं। फीचर ऑफ द एक्ट्स ये हैं कि सबसे पहले, अब ये एक्ट ऑफ 1853 की बात हो रही है, चार्टर एक्ट 1853 में सेपरेट कर दिया गया लेजिस्लेशन को और एग्जीक्यूटिव पावर को। एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग हो गए गवर्नर जनरल के, और गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव पावर्स को अलग कर दिया गया।
और ये कहा कि 6 नए मेंबर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे लेजिस्लेटिव काउंसलर कहा जाएगा। और लेजिस्लेटिव काउंसलर एक छोटी सी पार्लियामेंट बनाएंगे, ठीक है, मिनी पार्लियामेंट जिसे हम कहेंगे। तो या एक बार इसे फिर से देखते हैं, जो हमारे गवर्नर जनरल हैं उनको 6 मेंबर दिए गए, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स उन्हें कहा जाने लगा। सो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहने लगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहने लगे। और ये जो लेजिस्लेटिव विंग है, छोटी सी 6 मेंबर की विंग जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करते जा रही है, वो एक मिनी पार्लियामेंट बन गई, एक पार्लियामेंट्री टाइप का एक जो तरीका होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे उभरते हुए देखा, स्लोली इट इज़ स्टार्टिंग, इट इज़ ग्रोइंग, ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। एंड उसमें जो वो प्रोसीजर अपनाते थे, जिस तरीके से वो काम करते थे, इट वॉज सेम एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे वो काम करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे फिर ये कहने लगे कि इसलिए हमारा जो लेजिस्लेशन है ना, वो एक नया, फॉर द फर्स्ट टाइम से एक स्पेशल फंक्शन माना गया कि हाँ यार, इस पर भी एक सेपरेटली ध्यान देना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो वर्दी ऑफ अवर डिस्कशन। तो लेजिस्लेशन पे सबसे पहली बार कौन से एक्ट में ध्यान दिया गया? 1853 में ध्यान दिया गया। एंड इसमें ये कहा जाने लगा कि एक स्पेशल मशीनरी भी हम बिठाते हैं, एक स्पेशल प्रोसेस वगैरह भी हम करवाते हैं। उसके बाद है कि जो हमने सिविल सर्विसेज की ओपन कंपटीशन की बात करी थी ना, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, ठीक है। 1833 में चाहे उसको मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसमें जो लोग हैं वो मान गए थे, तो 1853 में उसको मंजूरी मिल गई थी। और कवेनेंटेड सिविल सर्विसेज जो हैं उनको ओपन कर दिया गया था इंडियन लोगों के लिए भी। और इसमें एक जो मैकॉले कमेटी जो है उसके ऊपर बिठाई गई थी, मैकॉले कमेटी बिठाई गई थी 1854 में। नेक्स्ट थिंग दैट हैपन्ड वाज कि कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया गया। किसने एक्सटेंड किया होगा? डेफिनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सो कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया गया और ये कहा गया कि आप अपने पोजेशंस जो हैं वो इंडियन टेरिटरी में रख सकते हो ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट पे, जैसे कि हमने पिछले एक्ट में भी पढ़ा था, इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी एंड हिज एयर वगैरह। तो वही चीज़ को फिर से कहा गया, दोबारा से रीस्टेट किया गया उसको, ठीक है। तो दोबारा से उसे इंश्योर किया गया एंड जो है कंपनी का रूल इस तरीके से एक्सटेंड हो गया। लेकिन यहाँ पे अब कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं बताया गया। पहले क्या हो रहा था, 10-10 सालों के लिए आपका चार्टर रिन्यू कर दिया, तो आपको पता है कि 10 सालों तक तो मैं सेफ हूँ, मैं इंडिया में जा सकता हूँ, मैं इंडिया में रह सकता हूँ, कौन? कंपनी, ठीक है। तो लेकिन अब जो है ना, अब ये चीज़ जो क्लियर नहीं करी गई कि कब तक हम इंडिया में रह सकते हैं, ये कंपनी का जो रूल है स्पेसिफाई नहीं किया गया कोई पर्टिकुलर पीरियड, जिसमें हम देखते हैं कि और ज़्यादा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अपनी अच्छे से पावर चला रही है, पावर का यूज़ कर रही है। दूसरे चार्टर्स पे ये काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि इसमें कभी भी एक एंड जो है वो पर्टिकुलरली इसे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कितने पीरियड के लिए ये चीज़ जो है अप्लाई हो रही है। इससे ये दिख रहा था कि कैसे जो जब भी पार्लियामेंट चाहे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट जब भी चाहे कंपनी का रूल ख़त्म कर सकती है। इस मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथों में पावर को ले लिया है। अब उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट में देखो, ये कहा गया है कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोकल रिप्रेजेंटेशन, विच इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन की बातें हो रही हैं, लोकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और 6 मेंबर जो उसमें दिए गए थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, 4 मेंबर जो हैं लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा जो हैं, ये लोग अपना अपना नॉमिनेशन एक पर्सन को नॉमिनेट कर देंगे और वो उनका लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बन जाएंगे। किसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल? गवर्नर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए उसके बाद हमारा ब्रिटिश क्राउन, द मच फेमस ब्रिटिश क्राउन जो है उसका रूल शुरू होता है। सो जो ब्रिटिश क्राउन का रूल है उसमें सबसे पहला एक्ट आता है जो कि सिपॉय मुटीनी के बाद वाला एक्ट, यानी कि 1857 में सिपॉय मुटीनी होती है, जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है। उसके बाद एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया है 1858 में। यह एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्ट है, सुपर मिटिनी के बैकड्रॉप में इसे लाया गया था। और इस एक्ट को हम कहते हैं गुड गवर्नमेंट, ठीक है। काफ़ी ये आयरनिकल है, ठीक है, इट्स क्वाइट कॉन्ट्रोडिक्टरी एक्चुअली। सो लेकिन ये है हमारी गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे अबॉलिश कर, इसने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया टाटा बाय बाय फॉर एवर। ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा के लिए चली गई आउट ऑफ द सीन एंड नाउ देर इज़ द
ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया यही दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करने वाले हैं इन द फ्यूचर ऑल्सो। एंड क्या किया, जो पावर है गवर्नमेंट की, टेरिटरीज की एंड रेवेन्यू की, वो ब्रिटिश क्राउन के पास ट्रांसफ़र कर दी गई। या फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जो गुड गवर्नमेंट का एक्ट है उसके फीचर्स में सबसे पहले जो चेंज लाया गया वो ये था कि इंडिया जो है ना वो गवर्न किया जाएगा हर मेजेस्टी के नाम पे, मतलब हमारी जो रानी साहिबा है ना, लॉन्ग लिव द क्वीन, उन्हीं के राज के अंदर इंडिया भी आ चुका है। डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल का चेंज हो गया, अब थोड़ा सा रॉयल नाम रख दिया, वाइस रॉय बोलने लगे, तो वाइस रॉय बन गए वो। ठीक है, वाइस रॉय क्या थे, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, ब्रिटिश क्राउन के। वाइस रॉय ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे और लॉर्ड कैनिन हमारे पहले वाइस रॉय बने थे। उसके बाद देखिए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो है उसे ख़त्म कर दिया गया। डबल गवर्नमेंट होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल काम देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्नेंस का काम देखते थे। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता था और वो डबल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। सो गाइस, एक चीज़ होती है डबल गवर्नमेंट और दूसरी होती है डुअल गवर्नमेंट। तो इसमें आप डिफरेंस कैसे पहचानोगे, डुअल गवर्नमेंट होती है जो हमारे बैटल ऑफ बक्सर के बाद शुरू हो गई थी, यानी कि उसमें नवाब जो है ना, जो पपेट नवाब वाली बात होती है ना, उसे डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। पपेट नवाब जो है वो डुअल गवर्नमेंट होती है, और डबल गवर्नमेंट क्या होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मैं इतना ही बताऊंगी और आगे कहीं पे इसे एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि अभी इस एक्ट में ही बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। सो आई होप वट एवर आई हैव सेड इज़ क्लियर टू यू, जितना समझा दिया उतना कुछ समझ आया है। एंड डबल गवर्नमेंट और डुअल गवर्नमेंट में डिफरेंस अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, इट वुड बी वेरी वेरी गुड, इट वुड बी वेरी प्रोडक्टिव ऑफ योर सेल्फ, आप काफ़ी सेंसिबल हो मतलब। ठीक है चलो, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, एक नया ऑफिस जिसे हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिनके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी और पूरी पावर थी कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो एक मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के, ब्रिटिश कैबिनेट के, सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे एंड अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल, यानी कि उनकी जवाबदेही भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थी। तो उनको जवाब देना भी था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी जवाब देना था, ऐसा नहीं है कि उनको इंडिया की जनता को कोई जवाब देना था, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद है हमारा 15 मेंबर एक या 15 मेंबर एक काउंसिल बनाई गई, इस्टेब्लिश करी गई, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि असिस्ट करेगी किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, आई होप यू आर फाइन विद इट। तो फोर्थ पॉइंट में 15 मेंबर काउंसिल बना दी गई इंडिया में, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगी। एंड जो काउंसिल है वो एक एडवाइजरी बॉडी होगी। ठीक है, इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी एन एडवाइजरी बॉडी, ऐसा नहीं है कि कोई बाइंडिंग वगैरह होगा। आफ्टर दैट यू हैव कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ना वो चेयरमैन बन गए इस काउंसिल को, एंड ये एक एडवाइजरी काउंसिल है और सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट हैं ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। सो नेक्स्टली यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है ना, काउंसिल के साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये एक टाइप की बॉडी कॉर्पोरेट है, जो कि स्यू करी जा सकती है एंड कैन ऑल्सो बी स्यूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। ठीक है, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया में भी है और इसमें भी है, ब्रिटेन में भी है। सो अब जो एक्ट है हमारा, ठीक है, जो हमारा एक्ट है 1858 का, देखो हाउ एवर लार्जली ये इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही इसका ध्यान था, ज़्यादा इसने बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं लाए हैं जितना कि हमारा मॉर्ले मिंटो वगैरह लेकर आएंगे इन द फ्यूचर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ही यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो है करी जा रही है। एंड ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है ये सुपर ये पूरी एक सिस्टम बनाएगी कैसे इंडिया की गवर्नमेंट को सुपरवाइज एंड कंट्रोल किया जाएगा इंग्लैंड से कंट्रोल किया जाएगा, और किस तरीके से होगा वो सब, ये चीज़ जो है इस एक्ट में बताई गई थी। इट डिड नॉट एल्टर इन वेरी एनी सब्सटेंशियल वे जो सिस्टम पहले चल रहा था और जो सिस्टम अब आ गया है, तो देर वॉज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस अब पहले और अब के बीच में। ठीक है, एंड ये जो एक्ट था प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव था, यानी कि इन्होंने अपना जो ऊपर वाला पार्ट है ना, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है कि कौन इंडिया को कंट्रोल करेगा, कौन इनकी खबर हमें पहुंचा के देगा इंग्लैंड में, वो सारी चीज़ें बदली गई थी, जनता के लिए इतना ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आया था। उसके बाद देखो हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ये हैं हमारे 1861 के 1892 के एंड 1909 के। अब देखिए जब बहुत बड़ा हमारा ग्रेट रिवोल्ट होता है
1857 का, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि यार हमारे लिए तो अब ये नेसेसिटी बन गया है कि हमें इंडियंस को पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा अपने साथ, इनको एंगेजमेंट कोऑपरेशन इनका हमें चाहिए, नहीं तो ये जो इंडियन लोग हैं हमें कभी पसंद नहीं करेंगे, हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट को अगर ज़्यादा टाइम तक आगे तक चलना है तो थोड़ा सा उनको लोकप्रिय होना पड़ेगा, ठीक है। लोकप्रिय गवर्नमेंट ही ज़्यादा टाइम तक चलती है, थोड़ा सा लोगों के साथ उन्होंने एंगेज करने की सोची। एंड सो इन पर्सुएंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन जो वो करना चाह रहे थे इंडियंस के साथ, 3 एक्ट लाए गए 1861 में और 1892 में और 1909 में, ठीक है। और इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 का है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, तो काफ़ी बड़ी बात इन्होंने कह दिया। देखते हैं कि ऐसा क्या है हमारे काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में, सो लेट अस सी। देखिए जो फीचर ऑफ एक्ट है वो कुछ ऐसा है कि इसमें सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हुई, ऐसे ऐसे जो बॉडीज़ जो कि रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो पूरा राज है, ये जो फॉरेन रूल है इसके अंदर इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी। इसमें ये कहा गया कि वाइसरॉय जो हैं वो खुद अपने जो खुद हैं वो नॉमिनेट करेंगे कुछ इंडियंस को जो कि नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स होंगे उनकी काउंसिल के। एंड 1862 में हमने देखा कि लॉर्ड कैनिंग जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे उन्होंने राजा ऑफ बनारस और फिर महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव को नॉमिनेट किया था कि ठीक है आप हमारे नॉन ऑफिशियल एक्सपेंडेड काउंसिल का हिस्सा हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा एक्ट ऑफ 1861, ठीक है, 1861 हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट है। उसके बाद है कि ये भी कंटिन्यूएशन ही है 1861 का। तो देखिए उसमें ये कहा गया है कि इसमें हमारी एक प्रोसेस इनिशिएट हो गई है, कौन सी प्रोसेस, डिसेंट्रलाइजेशन की, जिसमें हम जो है बॉम्बे में और मद्रास में, जस्ट अ मिनट बॉम्बे एंड मद्रास में हम उनकी उनकी पावर उनको वापस कर रहे हैं, ठीक है। वो अब सबॉर्डिनेट वगैरह नहीं है, थोड़ी बहुत उन्हें पावर मिल रही है, रिवर्स कर दिया जो भी सेंट्रलाइजेशन वाली टेंडेंसी थी एंड स्टार्ट कर दिया जो कि स्टार्ट हुई थी 1773 से, जो सेंट्रलाइजेशन शुरू हुई थी उसे हमने काफ़ी टाइम बाद 1861 में आकर उसको रिवर्स करना शुरू किया है। ये चीज़ें अगर आप याद रखोगे ना तो बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो जो 1773 में शुरू हुई थी वो 1861 में जाके सेंट्रलाइजेशन जो है उस पर रोक लगी है और अब थोड़ी बातें जो हैं वो यू टर्न ले रही हैं और हम डिसेंट्रलाइजेशन करना चाह रहे हैं क्योंकि हम इंडियंस के साथ एंगेजमेंट यानी कि कोऑपरेशन करना चाहते हैं, उनके साथ रहकर उनको रूल करना चाहते हैं। तो या जो पॉलिसी थी लेजिस्लेटिव रेवोल्यूशन की उसमें क्या किया हमने, जो प्रोविंसेस हैं उनको एक ऑलमोस्ट एक ऑटोनॉमी मिल गई थी, कौन से टाइम में, 1937 में एक फुल इंटरनल ऑटोनॉमी मिल गई थी प्रोविंसेस को, रीजन्स को। और ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है आगे बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा 1937 तक मैक्सिमम में पहुंच जाएगा, ये बात यहाँ पे ये लोग समझा रहे हैं आपको। उसके बाद है कि हमारे जो थर्ड पॉइंट है ना, देखो उसमें ये कहा गया है कि एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करने लगे, ये तो बंगाल में भी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में भी, इवन पंजाब में भी जहाँ जहाँ पॉपुलेशन थोड़ी बहुत ही ज़्यादा थी, तो उन सारे एरियाज़ में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने की बातें इन्होंने करी थी, ठीक है। तो और भी जो एरियाज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलने लगी, तो इसका मतलब है कि हम और ज़्यादा इंडियंस के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो यही तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रही है, स्पेशली जो लोग पहली बार बुक को पढ़ते हैं ना उनके लिए मैं ये चीज़ बना रही हूँ ताकि उनको बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है, हर चीज़ कवर हो जाए, कोई चीज़ छुटे ना यार आपकी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली। हम काफ़ी बार क्या करते हैं, हम चीज़ों को पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स को जो है पूरी बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन एक डेप्थ चाहिए होती है, थोड़ी सी समझ चाहिए होती है, थोड़ा सा डीपली आपको हर चीज़ समझ आनी चाहिए, वो समझ जो है आपको अच्छे से डिस्कस करने से आती है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है ना, फोर्थ पॉइंट में क्या हुआ, वाइसरॉय को एम्पावर किया गया कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द काउंसिल, ठीक है। काउंसिल में काम सही तरीके से पर्टिकुलर स्पीड में चलता रहे उसके लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, पोर्टफोलियो यानी कि सबका अपना अपना एक काम बटा हुआ है, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, जैसे कि आज के टाइम पर मिनिस्टर होते हैं ना, उनका अपना अपना पोर्टफोलियो होता है भाई कि मैं ये काम करता हूँ, तुम ये काम करते हो, चाहे वो MHRD हो, चाहे वो
मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है, ये सब है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम उसे हम कहते हैं, एंड इसे इंट्रोड्यूस किया गया, हाँ, एंड ये हुआ था, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1859 में। एंड इसी एक्ट के अंडर जो मेंबर हैं किसके, वायसराय की काउंसिल ने, वायसराय की काउंसिल के जो मेंबर हैं उन्हें इंचार्ज बना दिया ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, एंड फाइनल ऑर्डर्स जो हैं वही लाते थे ऑन द मैटर ऑफ दिस डिपार्टमेंट। सो गाइस दिस पॉइंट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर जस्ट लीव इट। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इट एम्पावर्ड द वायसराय कि वो ऑर्डिनेंस वगैरह इशू कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायसराय कौन थे, वायसराय डायरेक्टली ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया में, एंड उनको जो है हक मिल गया था कि वो ऑर्डिनेंसेस वगैरह को ला सकते थे। कोई कॉन्फ्रेंस उन्हें नहीं चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो बनी हुई हैं उनकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की उनको कोई कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए, एंड वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। जैसे आज के डेट में हम ऑर्डिनेंस जो हैं उनमें हम कहते हैं ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मंजूरी चाहिए, तो वैसा यहाँ पे इनको नहीं चाहिए। वायसराय जो हैं भाई वो थोड़ी ना इंडियन है, वो तो ब्रिटेन के हैं, वो इंडिया के बारे में नहीं सोचेंगे, देयरफॉर उनको यहाँ पे किसी की भी कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की। जब इमरजेंसी होती है, छः महीने तक ऑर्डिनेंस जो हैं वो अपनी लाइफ में रहेंगे, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा 1861 का एक्ट, और ये इतना हमने पढ़ लिया है 1861 तक, और नेक्स्ट एक्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 36 मिनट्स देखिए मोर देन इनफ है एक वीडियो के लिए। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।